खुलेंगे तो बच्चे तो पढ़ेंगे ही, पर साथ में शेयर भी चढ़ेंगे। और यहां पर जो सबसे पहला स्टॉक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है कोकिया और कैमलिन का। आप देखिए यहां पर सरकारें, जो राज्य स्तर पर सरकारें हैं, आज से 6 राज्यों में तो स्कूल्स खुल ही रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल है। साथ ही दिल्ली में भी आज से कक्षा 9 से 12 के स्कूल्स खुलते हुए नजर आएंगे। अब इससे किसको सबसे बड़ा फायदा होगा, वो है स्टेशनरी सेगमेंट में डील करने वाली कोकुआ कैमलिन का। आप देखिए 1931 से इनका कारोबार शुरू हुआ था और स्कूल और कॉलेज और साथ ही जो ऑफिस स्टेशनरी सेगमेंट है उसमें काफी मजबूत पकड़ है कंपनी की। इनफैक्ट अगर आपको पेंसिल, ज्वेलरी बॉक्स खरीदने हो तो 3 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स कंपनी के शामिल है मार्केट में। इनफैक्ट FY22 में हमारा ये मानना है कि करीब 750 करोड़ की सेल्स कंपनी कर सकती है। FY20 जो कि एक नॉर्मल ईयर आप कंसीडर कर सकते हैं, वहां से उस लेवल से 20% ज्यादा सेल्स का हम अनुमान करके चल रहे हैं। साथ ही अगर आप देखें तो FY23 में हमारा अनुमान EPS का ₹3.5 प्रति शेयर का है, जबकि FY20 में यह 0.43 पर शेयर जो है इन्होंने क्लॉक इन किया था। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग ट्रिगर है, आप देखिए 2011 में जब कोकुआ एंड कंपनी लिमिटेड, जो जापान की इनकी पेरेंट कंपनी है, उन्होंने ये शेयर खरीदे थे, उस समय ये भाव था ₹110 प्रति शेयर पर। आप मौजूदा भाव देख लीजिए, आपके सामने आपको गैप नजर आ जाएगा, ₹73 प्रति शेयर का जो है मौजूदा प्राइस है। तो डेफिनेटली उस लेवल पे 2011 में जब खरीदा गया था, अभी के हिसाब से वैल्यूएशन काफी ज्यादा चीप है, क्योंकि एक के प्राइस टू सेल्स मल्टीपल पर ये अवेलेबल है। तो अपने आप में काफी शानदार स्टॉक है कोकुआ कैमलिन।